दोस्तों आज है 1 जनवरी 1 जनवरी। आज विष्णु भैया की सुनवाई कोर्ट में। और आप सबको बता दें, पूरी वीडियो देखिएगा, इस वीडियो में जानकारी दे रहे हैं हम आपको। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप सबको पता है आज है 1 जनवरी, आज विष्णु भैया की पहली सुनवाई थी तो वो भी नहीं हो पाई। कुछ कारण था इसका, कुछ वजह थी क्यों नहीं हो पाई, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों क्या बताएं, जब किस्मत साथ नहीं देता है ना तो क्या हर कोई साथ छोड़ देता है। इस वक्त विष्णु भैया की जान लीजिए किस्मत साथ नहीं दे रहा है, इसलिए हर सुनवाई पे आगे चल जा रहा है, डेट आगे चल जा रहा है। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वजह हो रही है तो डेट आगे चल जा रहा है। दोस्तों जब किस्मत सही होती है ना तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। इस समय उनका बहुत ही ख़राब दिन चल रहा है। हम लोग तो सोचे थे आज 1 जनवरी है, उनका किस्मत में कुछ रंग लाए, अच्छा खुशियाँ लाए ये जनवरी ये साल, पर ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों आज हड़ताल था कोर्ट में, तो आज की सुनवाई 5 तारीख को दे दी गई है। अब 5 तारीख को सुनवाई होगा, अब देखते हैं 5 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। अब 5 तारीख को हो जाती है सुनवाई, मिलता है इंसाफ की और आगे चला जाता है डेट। बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, तबीयत उनका ख़राब हो गया है, ठंडी लग गया है उनको, और घर का टेंशन रहता है। मम्मी पापा को बार बार पूछते हैं और युवराज को बार बार पूछते हैं। युवराज अपने नानी के घर है, फिर भी बेचारे भैया बहुत ही तड़पते हैं उसको देखने के लिए, उसको मिलने के लिए। यहाँ तक तो अपने घर वालों को तो मना कर दिए हैं कि मत आना देखने के लिए मुझे, क्योंकि जब देखेंगे तो दुख और दर्द और बढ़ जाएगा। माँ को देखने के बाद तो दुख दर्द ही बढ़ता ही है, क्योंकि माँ ही ऐसी होती है जो छोटे से बड़ा करती है, तो उनको देखने से उनको दिल पे क्या बीतेगी वो ही जानेंगे। कितना मतलब जो अंदर दर्द छुपा होगा बैठा होगा वो सब निकल जाएगा माँ को देखने के बाद। तो दोस्तों ये दर्द भरी कहानी विष्णु भैया की है, बेचारे के क्या थे क्या हो गए हैं। मुझे तो बहुत ही दुख लगता है कि बेचारे कितने खुशी से जीते थे, खाते थे, हंसते थे, 4 लोगों के बीच में बैठते थे, आज हैं वो अकेले, कोई नहीं है पूछने वाला, कोई नहीं है जाँचने वाला। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा कि विष्णु भाई को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, पूरा वीडियो आप लोग देखा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्या ही बताएं। अब जब निकलेंगे भैया तब उनके मुंह से सुनिएगा आप लोग कितने दर्द में हैं वहाँ पर। वो मुझे तो एहसास होता है उनका दर्द, कि वहाँ पर कितने दर्द में अकेले दर्द कितना काट रहे हैं, दुख कितना झेल रहे हैं, मुझे बहुत ही एहसास होता है उनके दुख का। तो दोस्तों दुख में आप लोग साथ दीजिए भैया का, बहुत ही अच्छा रहेगा। दुख में साथ देना चाहिए, किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए दुख में। इतने लोग थे उनके साथ पर बहुत ही कम अब हो गए हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और भैया को घर वालों के सपोर्ट करिए ताकि अपने बेटे को छोड़ा कर ले आएँ। और उनकी माँ बहुत ही रोती हैं बेचारी, क्या करें, बहू भी चली गई, बेटा भी चला गया, नाती भी चला गया, क्या करें, अब फैमिली बिखर गई, टूट गई। जहाँ पे 4 लोग हंसते खेलते थे आज वहाँ वीरान रहता है, सुनसान रहता है। चलिए दोस्तों मिलेंगे हम अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।